क्या आप भी अपने घर से दूर रहते हैं और त्योहारों के टाइम पर घर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दरअसल त्योहारों के टाइम पर बिना कंफर्म टिकट के ट्रैवल करना आपको थोड़ा सा इनकन्वीनियंस दे सकता है। तो अगर ऐसे में अगर आप दिल्ली से यूपी और बिहार ट्रैवल करते हैं तो हम आपके लिए खास जानकारी लेकर आए हैं जिससे आपको थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। दरअसल रेलवे ने आनंद विहार और मुजफ्फरपुर के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है जिससे यात्रियों को सहूलियत मिल सकेगी। गाड़ी नंबर 04058 आनंद विहार मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन 24 अक्टूबर से 14 नवंबर हर गुरुवार और सोमवार को आनंद विहार टर्मिनल से रात 11:15 पर प्रस्थान करेगी। ये ट्रेन मुरादाबाद, चंदौसी, लखनऊ, गोरखपुर, छपरा और हाजीपुर होते हुए दूसरे दिन सुबह 9:15 पर मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। वापसी यात्रा में गाड़ी नंबर 04057 मुजफ्फरपुर आनंद विहार स्पेशल ट्रेन 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक हर शुक्रवार और मंगलवार को मुजफ्फरपुर से रात 11:00 रवाना होगी। ये ट्रेन हाजीपुर, छपरा, गोरखपुर, लखनऊ, चंदौसी और मुरादाबाद होते हुए रात 11:30 आनंद विहार पहुंचेगी। इस ट्रेन में कुल 18 कोच होंगे, इससे यात्रियों को आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा मिलेगी। इसके साथ ही रेलवे ने मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के लिए एक क्लोन स्पेशल ट्रेन भी चलाने का फैसला किया है। गाड़ी संख्या 05283 मुजफ्फरपुर आनंद विहार क्लोन स्पेशल ट्रेन अब 21 अक्टूबर से हर रोज चलाई जाएगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 04284 आनंद विहार मुजफ्फरपुर क्लोन स्पेशल ट्रेन को 22 अक्टूबर तक हर रोज चलाने का फैसला किया गया है। फेस्टिव सीजन में ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस हमेशा से ही खास होता है। परिवार और दोस्तों के साथ मिलना, त्योहारों का जश्न मनाना और घर की यादें ताज़ा करना, सब कुछ इस टाइम की खासियत होती है। हालांकि इस समय यात्रा करने में कुछ चुनौतियां भी होती है। कई बार भीड़भाड़ और समय पर ट्रेनें नहीं मिलने से यात्रियों को परेशानी हो सकती है। तो यात्रियों को सुविधा देने के लिए रेलवे ने त्योहारों के सीजन में इन स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। अगर आप इन ट्रेनों में ट्रैवल करना चाहते हैं तो पहले से ही अपनी बुकिंग करा लें जिससे आपको आगे परेशानी ना हो। और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें लोकल 18।